मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। सीएम गहलोत आज मुंबई से हैदराबाद पहुंचेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आज हैदराबाद पहुंचेंगे। विस्तारित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये दोनों हिस्सा लेंगे। 17 और 18 सितंबर को हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। भारत जोड़ो मार्च में भी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शिरकत करेंगे। तो कल प्रवासी राजस्थानियों से भी रूबरू होने का कार्यक्रम रखा गया है। मिशन 2030 को लेकर प्रवासी राजस्थानियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे। राजस्थान फाउंडेशन की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। साथ ही साथ डोटासरा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मिशन 2030 को लेकर बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक 17 और 18 सितंबर को है जिसमें शामिल होने के लिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैदराबाद पहुंचेंगे। साथ ही साथ पीसीसी चीफ डोटासरा भी पहुंचने वाले हैं। आगामी चुनाव को लेकर खास रणनीति तैयार की जाएगी। किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है इसे लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। सहयोगी बाबूलाल दहाल हमारे साथ जुड़ चुके। बाबूलाल, आज पहुंच रहे मुख्यमंत्री हैदराबाद, डोटासरा भी पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट उनके दौरे को लेकर? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई से तो गोविंद डोटासरा जयपुर से हैदराबाद पहुंचते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभाओं के चुनाव आ रहे हैं कई राज्यों के और उसमें राजस्थान भी शामिल है। तो एक जीत की रणनीति बनाने के मकसद से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। जो इश्यूज है जो अभी बीजेपी के खिलाफ है देश में उनको उठा करके और कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में और ग्रास रूट तक एक मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है कि वो मुख्य भूमिका में हमेशा से रही है। भले ही कुछ राज्यों में उसकी सरकारें अब है लेकिन कांग्रेस का जनाधार कहीं कम नहीं हुआ है। कांग्रेस के साथ आज भी माइनॉरिटी है, ओबीसी है, दूसरी जो जातियां हैं जिनको लेकर कांग्रेस हमेशा से आगे बढ़ती रही है। तो उन वर्गों को एहसास कराने के लिए जो दलित है, पिछड़े हैं, वंचित है, तो उन तक एक मजबूत संदेश देने के मकसद से ये बड़ी बैठक होने जा रही है। और इसका संदेश सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है बल्कि वो लोकसभा का चुनाव होगा 2024 तक, उसको लेकर के काफी कुछ इसमें मंथन होगा। कैसे पार्टी जीते और किस तरह से जो चुनौतियां है पार्टी के सामने उनसे वो पार पाए। तो वहां पर भारत जोड़ो मार्च भी होगा, बड़ी रैली भी होने जा रही है। तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित राज्यों के वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जितने भी राज्यों के वो भी वहां पहुंचेंगे। तो कांग्रेस पार्टी एक नए दौर की शुरुआत करना चाहती है। कर्नाटक और हिमाचल में जो जीत मिली है उसको वो आगे बढ़ाना चाहती है ताकि जो विधानसभाओं के चुनाव है उनमें तो उसे कामयाबी मिले ही, साथ ही लोकसभा चुनाव में एक पॉजिटिविटी के साथ में वो आगे बढ़े। तो बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ में तमाम गिले शिकवे भुलाते हुए जो कमजोरियां उनको दूर करने की मकसद से पार्टी की ये बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें इंडिया अलायंस को लेकर के भी चर्चाएं होंगी। कांग्रेस लीड रोल में रहना चाहती है और उसके जो नेता हैं वो एक नए जोश और नए उत्साह का संचार पार्टी में करना चाहते हैं ताकि जनता को लगे, देश की जनता को ये महसूस हो कि कांग्रेस पार्टी ही जो है वो बीजेपी का विकल्प है और बीजेपी को वही टक्कर दे सकती है। इसलिए छोटी छोटी तमाम समान विचारधारा के जो दल हैं उनको साथ लेकर इंडिया अलायंस में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और राहुल गांधी की सोच यही है कैसे भी हो देश को बीजेपी से अगर कहीं मुकाबला कोई पार्टी कर सकती है तो वो कांग्रेस कर सकती है। इसलिए सारी चीजें इसी के मद्देनजर अगले दो दिन में हैदराबाद में बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि बीजेपी को टक्कर देना है। बीजेपी सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली बड़ी पार्टी बन चुकी है, ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और हैदराबाद में रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि कांग्रेस में भी दम बाकी है अभी। बाबूलाल, इससे पहले जो सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री और डोटासरा शामिल हो रहे हैं और कौन कौन लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं बाबूलाल? देखिए सुनील पायलट भी इस बैठक में जा रहे हैं, इसके अलावा महेंद्र माल भी जा रहे हैं, राजस्थान से मोहन प्रकाश है वो जा रहे हैं। तो जितने भी नेता हैं वो इसका हिस्सा होंगे। और जितेंद्र सिंह है वो है इस बैठक में। तो सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस की वो कमेटी है जो सभी बड़े फैसले लेती है और इस तरह से आज के हालात है देश में उसे देखते हुए इसके ऊपर बड़ा जिम्मा है कि इनके पास में नियत क्या है, नीति क्या है, किस तरह से बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस को लेकर के धारणा यही है कि पीएम मोदी का मुकाबला करने की कुव्वत जो राहुल गांधी में नहीं है, तो उस बात का जवाब देने के लिए राहुल गांधी
दक्षिण से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज भी वहीं से किया था। बिल्कुल बाबूलाल, जहां से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज, वहीं से एक और रैली की शुरुआत हो रही है। अब देखना है कि कितना समर्थन लोगों का इस रैली को मिलता है, कितना जनता का आशीर्वाद चुनाव में मिलता है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए।